हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप ही के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो मंत्रा में, जहां पे आपको मौसम से संबंधित हर पल पल की अपडेट सबसे पहले प्राप्त होती है। अगर मौसम विभाग का कहीं पर भी अगर रेड अलर्ट जारी होता है, कहीं पर भी अलर्ट जारी होता है आपका मानसून की आंधी तूफान को लेकर के, तो हम आपके लिए खबर सबसे पहले यूट्यूब पर लेकर के हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कल 6 मई को मौसम पूर्वानुमान कैसा आपका मौसम रहने वाला है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। जैसे कि पता होगा, मौसम बिल्कुल अभी बदला हुआ है 5-7 दिन से, और आगे आने वाले दिनों में आपका मौसम कैसा रहने वाला है सारी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। आपकी रात को क्या आंधी तूफान आने वाले हैं यानी, तो उससे संबंधित हमें सारी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर चैनल पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको पल पल की अपडेट मौसम से संबंधित सबसे पहले प्राप्त हो सके। बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ जो आपका स्काईमेट वेदर जारी करता है मौसम विभाग। तो आप देख सकते हो संपूर्ण भारत का 6 मई का मौसम का क्या पूर्वानुमान है। दिन देश भर में बने मौसमी सिस्टम, उत्तरी हरियाणा के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इस सिस्टम के एक ट्रंप उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश से बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र का तक सक्रिय है। केरल के तटीय भागों के पास दक्षिणी पूर्वी अरब सागर पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है, जिससे विदर्भ से लेकर तेलंगाना और रायलसीमा से होते हुए तमिलनाडु तक विपरीत दिशाओं में हवाएं आपस में टकरा रही है। निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे हुए बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों का पर बना हुआ है। और पिछले 24 घंटों में आपका कैसा मौसम रहा वो भी मैं आपको पूरे देश की हर राज्य का मैं बताने वाला हूँ। पिछले 24 घंटों में आप देख सकते हो दक्षिण अंडमान, उत्तरी उड़ीसा, बिहार, पूरी और मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तर और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश की में हल्की मध्यम बारिश दर्ज की गई। एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। राजस्थान और उत्तरी गुजरात में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है। आप देख सकते हो पूर्वोत्तर भारत के कई स्थानों पर अलग अलग आपकी तीव्रता की बारिश दर्ज की गई है। आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई है। तेलंगाना में एक दो जगह पर हल्की बारिश देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की बारिश हुई है। आगामी 24 घंटे आपके लिए बहुत भारी होने वाले हैं, उसके बारे में मौसम जान लेते हैं पूरे देश का, हर राज्य का। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, झारखंड, पूरी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का संभव है। इन भागों पर कुछ स्थानों पर तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि के अनुमान जताए जा रहे हैं। दक्षिणी तमिलनाडु, केरल, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती है। पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें गिरने की गतिविधियां जारी रहेगी। आप देख सकते हो हरियाणा, राजस्थान और पास के जो चंडीगढ़, आपको उत्तराखंड में भी भारी बारिश और आंधी राजस्थान में बताई गई है। धूल भरी आंधी हल्की बारिश के साथ में आपको देखने को मिल सकती है और रात को मौसम आपका खराब रहने के चांसेस बताए जा रहे हैं, जिससे मैं आपको बिल्कुल कल से अपडेट करता आ रहा हूं। और कई जगह आज राजस्थान के कई जिलों के अंदर छिटपुट बारिश देखने को मिली, कई जगह आंधी भी चली है उत्तरी जो पश्चिमी जो जिले हैं उनके अंदर, और हरियाणा में भी आपको देखने को मिली है बारिश के कहीं पर बूंदाबांदी। तो आप किस राज्य के रहने वाले हो और किस राज्य के आप डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, वहाँ का अगर मौसम का हाल जानना चाहते हो तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको मौसम का हाल कहाँ का जानना है, जिससे हम नेक्स्ट टाइम पे आप ही का क्षेत्र का सबसे पहले आपका हाल बताने की पूरी कोशिश करेंगे। मौसम से संबंधित हर पल पल की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।